नमस्कार साथियों, आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, जुड़ जाइए सभी लोग। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जो कि हमने एक मॉक टेस्ट दिया था आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट था, जो आपको धर्मेंद्र डाउट क्लासेज के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जो कि जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते थे। बट अभी तक किसी ने, मुश्किल से 5 लोगों ने सबमिट किया है, किसी ने सबमिट नहीं किया। तो सबसे पहले, ठीक है, जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर वो डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, सबसे पहले तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही आप उसको सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट को, तो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन आपको यहीं से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सभी लोगों को, जितने भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मॉक टेस्ट जिन लोगों ने नहीं दिया है, वो मॉक टेस्ट जाकर दे सकते हैं, धर्म डाउट क्लासेज के नाम से एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप उसे दे सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, हमारा टॉपिक था परसेंटेज। परसेंटेज में आपके चल रहे थे क्वेश्चन, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, सभी लोग तब तक कीजिए, 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, और बी सी से 40% कम है, और बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है, यदि सी डी से 30% अधिक है, 30% अधिक है, ये आपके क्या है परसेंटेज, 30% अधिक है। ठीक है, 30% अधिक है, तो ए डी से कितने परसेंट कम है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, क्वेश्चन हटा दीजिए सर, क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो देखो, आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने परसेंट कम है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों ए और डी में रिलेशन। तो हम निकालेंगे कैसे, आ जाइए देखो, यदि हम लें ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, देखो हमें बीच के से तो कुछ मतलब नहीं है, बीच के एलिमेंटों से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों, देखो बी से तो बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए अनुपात डी आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, ए अनुपात डी, आप बोलोगे सर आ जाएगा। तो देखो, ए बी से 25% अधिक है, 25% की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, आप बोलोगे 1/4 सर, अधिक है तो प्लस हो गया इधर, तो 4+1=5, तो ए बी से 25% अधिक है, तो ए अधिक है, तो ए क्या आ जाएगा आपका 5, बी क्या आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखो, आगे क्या कह रहा, बी सी से 40% कम है, 40% की वैल्यू क्या बताई थी, या तो देखो ऐसे कर लो आप, 40/100 कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/5, या ऐसे कर लो 20% की वैल्यू 1/5, तो 40% की वैल्यू 2/5, आपकी आगे 2/5। अब कहना क्या चाह रहा है, और बी सी से 40% कम है, अब 40% कम है, तो देखो 40% की वैल्यू आई आपकी 2/5, कम है तो 5 में से 2 कम, तो कौन सा कम है, बी, बी सी से 40% कम है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आगे क्या कह रहा है, यदि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, 30% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 3/10, ठीक है, 30/100, 3/10, तो क्या अधिक है, तो जुड़ जाएगा। अब कौन सा अधिक है, यदि सी डी से 30% अधिक है, सी अधिक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ये कितनी आ जाएगी 10, तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो ए और डी में यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो देखो,
पाँच से पाँच कट गया, क्या आया 13 × 3 = 39, ये क्या आया 40। तो आपका रिलेशन आया ए और डी का, ये अनुपात क्या आया ए अनुपात डी 39 / 40। अब पूछा क्या है ए डी से कितने परसेंट कम है, किससे डी से, की पॉइंट पकड़ो, की पॉइंट क्या कह रहा है डी से। अब डी से तो नीचे क्या आ जाएगा डी, बेस कौन मान के चला है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं डी से, कंपैरिजन हम डी से कर रहे हैं तो डी को क्या लेंगे नीचे, और किससे ए से, तो ए से कितना कम है, ए डी से कितने परसेंट कम है, तो ए कितना कम है 40 में से 39 गए 1, तो 1/40, 1/40 × 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 1/40 की वैल्यू निकाल लो या ऐसे निकाल लो, तो कितनी आ जाएगी 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन लगाइए, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही हो गया डी, इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अब आइए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए अगले क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से, संख्या के 20% से, संख्या के 20% से, संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है, तब तक सभी लोग कीजिए, अधिक है तो संख्या का 28%, तो संख्या का 28%, तो संख्या का 28%, तो संख्या का 28% संख्या के 33 ही 1/3%, 33 ही 1/3% से कम है, 33 ही 1/3% से कम है, ठीक है। क्वेश्चन हटा दीजिए सर, क्वेश्चन को हटा दीजिए, तो देखो अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कम है। अब देखो यदि किसी संख्या का 60%, अब मैंने क्या बोला था पहले लेक्चर में, क्या बोला था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, मार्कर है अपने आप में 100% है, बाइट वर्ड है अपने आप में 100% है, ठीक है, जो भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो अपने आप की, मतलब अपने खुद की 100% होती है, खुद की 100% होती है। तो क्वेश्चन बताइए किसी संख्या का 60%, अब 100% का 60% क्या होगा 60, ठीक, ये क्वेश्चन है, देखो टिक वाला, बट क्या है मेरे को भी आपको समझाना पड़ रहा है, आप समझ जाओगे तो देखोगे टिक करोगे, कुछ नहीं है, बस देखना टिक करना है। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20%, तो संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 20% हो गया, संख्या का 20% से 120 अधिक है, तो 60 - 20 तो कितना आ जाएगा आपका 120, कितना आ जाएगा 120, तो ये 60%, ये 20%, यहाँ से 60 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा 40%, 40% की वैल्यू आपकी क्या आएगी 120, तो यहाँ से आप निकालोगे 4 × 3 = 12, तो 100% संख्या क्या आ जाएगी, संख्या क्योंकि आपको पता है 100% है, जब 100% तो कितनी आ जाएगी 300, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 300। तो यहाँ तक बताइए किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, संख्या आ गई आपकी 300। अब पूछा क्या है, तो संख्या का 28% संख्या आपकी 300 का 28% 300 का 28% इतना तो रब कर दूं, समझ में आ गया होगा, संख्या का 28% संख्या कितनी है 300, संख्या की 33 ही 1/3%, 33 ही 1/3% की वैल्यू क्या होती है 1/3, आप बोलोगे सर 1/3 इससे तो कितना बार गया 100, तो ये कितना आ गया 28,
बट्टे सौ परसेंट मतलब 1% 100 होता है, तो कितना हो गया, 3 8 24, 3 2 6 84 पूछा गया है। तो संख्या का 28%, संख्या का 28% क्या हो गया आपका 84, संख्या के 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% क्या हो गया 100 से कम है। तो यह 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 16 यूनिट, कितना कम है 16 यूनिट। तो आपका आंसर आ गया 16। क्वेश्चन लगाइए सर, ऑप्शन दिखाइए, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ। अब देखो विदाउट पेन पेपर कैसे करो, यदि किसी संख्या का 60%, तो अपने आप में कोई संख्या क्या होती है 100%, उसका 60% 60, 20% से ठीक है, संख्या का 20%, संख्या का 20% 20, 60 में से 20 गए 40, 40% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू 3, तो 100% की वैल्यू 3 से। अब इसका 28%, 28% क्या हो गया 28/100, 3 से गुणा 28/84 और 33 सही 1/3 किसकी वैल्यू होती है 1/3 की, तो 3 से गुणा 1/3 100 84, 100 से कितना कम है आप बोलोगे 16। बस आंसर आ गया, आंसर आ गया डी, रब कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 22%, यदि x का 22%, यदि x का 22%, यदि x का 22% 150 है, कितना है 150, 150 है, और z का 22%, और z का 22%, और z का 22%, z का 22% 300 है, कितना है 300 है। तो x और z का संबंध है, तो आपको x और z की भी संबंध बताना है, तो x और z का संबंध है ठीक है, तो x और z के बीच क्या संबंध है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का 22% 150 है, तो x का 22% क्या हो गया 150, और z का 22% 300 है, x का 22% 150 है, z का 22% 300 है। देखो ऑप्शन किस मतलब x और z का संबंध पूछा है, तो हमें चाहिए x और z की वैल्यू, हमें चाहिए x और z की वैल्यू। तो देखो कुछ नहीं, यदि हम यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों में, कर सकते हैं कि नहीं, दोनों साइडों में 22 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो कहने का मतलब, देखो मेरे कहने के मतलब पर आइए, x और z में हमें चाहिए संबंध, x और z में चाहिए हमें संबंध। या तो ऐसा करो यहाँ से y की वैल्यू इक्वल कर लो, 22% बराबर क्या आ जाएगा, देखो ऐसे कर लो जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहें, या 22% से डिवाइड कर दो तो x z में संबंध आ जाएगा। तो 22% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 150/x, यहाँ से 22% की वैल्यू क्या आ जाएगी 300/z। अब देखो ये भी 22%, ये भी 22%, ये भी 22%, ये भी 22%, दोनों इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल कर दीजिएगा 150/x 300/z, 150 से दो बार कट गया तो z बराबर क्या आ जाएगा 2x, z बराबर क्या आ जाएगा आपका 2x। ऑप्शन दिखाइएगा सर, क्वेश्चन लगाओ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा डी, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा डी। ये भी आप देखो टिक करो, देखो टिक करो, वो वाले सवाल हैं ठीक, और जिस सब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ठीक है, कुछ नहीं सब सरल आते हैं, देखो टिक करो ठीक है, रब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 50% ऑफ, यदि 50% ऑफ, यदि 50% ऑफ x माइनस वाई ठीक है, 50% ऑफ x माइनस वाई
ठीक है, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 40% ऑफ 40% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो फिर एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो फिर एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, यदि 50% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 40% ऑफ एक्स प्लस वाई, तो फिर एक्स का कितना परसेंट वाई है, एक्स और वाई के बीच पूछा आपका रिलेशन। तो देखो परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो देखो यहाँ से क्या बचा आपका 5x माइनस 5y, आगे क्या आया 4x प्लस 4y, ठीक है। 5x में से 4x गए इधर आएगा तो कितना बचेगा x, इधर 5y और 4y 9y, पूछा क्या है। तो फिर x का कितना परसेंट बाई है, एक्स का कितना परसेंट, तो एक्स का देखो एक्स बट्टे बाई यहां से निकाल लो, 9/1। तो अब क्या कह रहा है वो एक्स का एक्स नीचे लेंगे, एक्स की वैल्यू 9, बाई वैल्यू 1, कितना परसेंट बाई है 100%। और देखो आपने पढ़ के आए हो 1/9, फ्रैक्शन में भिन्न में पता है 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है 11.11। आपका आंसर आ जाएगा 11.11, ठीक है 11.11। अब देखो क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन लगाओ। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है आपका, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 11.1/9%, 11.1/9%, 9 आ रहा है नीचे बेस में, तो 11.1/9% आपका आंसर सही हो गया क्वेश्चन, और कौन सा ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। रब कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे देखो टिक करो, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगाइए सर, अगले क्वेश्चन पर आइए सभी लोग, कर देता हूँ थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा होगा अब तो, ठीक है। क्वेश्चन है यदि 120 को x% घटाने पर तब तक आप लोग कीजिए, घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है। आगे क्या कह रहा है, पर तो 210 का इतना ही कर दो, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है यह बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर के समान है, तो 210 का x% 180 के x+20% से कितना परसेंट कम है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एक तो मेथड देखो टिक करो, और एक बेसिक है, तो देखो बेसिक से बता देता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ। यदि 120 को x% घटाने पर, अब यहाँ जो बोलूँ उसको ध्यान से समझना,
कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है 100%। अब देखो, यदि 120 को x परसेंट घटा रहे हैं, तो 120 को x परसेंट घटा रहे हैं तो किस में से घटा रहे हैं, 100% होती है अपने आप, तो 100 माइनस एक्स परसेंट, ठीक है। x परसेंट घटाने पर परिणाम को 40 को, x परसेंट बढ़ाने पर, तो x परसेंट x प्लस कितना 40 को x परसेंट बढ़ाने पर, तो x परसेंट बढ़ा रहे हैं तो 100 प्लस x इतना परसेंट बढ़ गया। बढ़ाने पर परिणाम के समान है कि परिणाम के समान है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 40 से तीन बार कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 में से 100 गए 200, इधर आ जाएगा आपका 4x, तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आ जाएगी 50, अब देखो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 50, सभी लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू, 50 निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, जो हमने टाइम दिया ये टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। x बराबर 50 तो आपका वैसे भी आ सकता है। देखो यदि 120 को x परसेंट घटाने पर, ठीक है, और परिणाम को 40 ठीक घटाने पर, 40 को x परसेंट बढ़ाने पर परिणाम के समान है, तो देखो 120 का आधा क्या हुआ आप बोलोगे, 60, कहने का मतलब 60 घटाने परिणाम 40 को x परसेंट बढ़ाने पर, और 40 का आधा, 40 का हाफ क्या हो गया आप बोलोगे सर 20, तो देखो 40 को बढ़ाने पर, 40 को 20%, 40 प्लस 20 60, और इसको घटा रहे हैं 120 माइनस 60 60, तो 60 60 इक्वेट हो जाएंगे कि नहीं, 60 और 60 बराबर आ जाएंगे नहीं, तो क्या हुआ ये हाफ ही तो हुए, 50% ही तो हुआ ना, 50% हुआ कि नहीं मेरे को बता दीजिए। अब 50% हुआ तो हमें इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो x बराबर आ गया 50, कहने का मतलब 120 का x परसेंट घटाओ, 50% घटाओ तो कितना आ जाएगा 60, 40 का 50% बढ़ाओ, 40 का 50%, 40 प्लस 20 60, दोनों इक्वेट होगी, तो कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ आ गई आपकी 50, x की वैल्यू आ गई 50, तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 50, बस अब क्या है क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। अब देखो 210 का x परसेंट, 210 का x परसेंट, 50 बाई 100, 180 के x प्लस 20%, x की वैल्यू 50 प्लस 20 70, 70% मतलब 70/100, 20 से 20 तो देखो 7 8 56, 1 7 5 12 126, यहां से 210 का 105, तो देखो पूछा क्या है, अब पूछा है आपसे 180 के x प्लस 20% से कितना कम है, अब कितना कम है ये 105, 126 से आप बोलोगे 21, अब किससे पूछा है x प्लस 20% से, x प्लस 20% कौन सी, इसकी वैल्यू कितनी है 126, तो 126 इंटू 100 इतने परसेंट हो गया कि नहीं, इतने परसेंट हो गया, अब काट लो 7 3 21, 7 1 7, 7 8 56, 3 6 18, तो यहाँ से आई आपकी 1/6 इंटू 100, या तो सीधी निकाल लो, या 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 आपका क्या आ गया आंसर, 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह आंसर क्या आ जाएगा 16 सही 2/3, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए सर, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो गया सी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर देता हूं, यदि ए की आय, बी की आय से, यदि ए की आय
बी की आय से कितना दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, कितना अधिक है, 24% अधिक है, 24% अधिक है, 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो हम करेंगे इसको कैसे, यदि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, 24% की वैल्यू क्या हुई, हम बोलोगे 4% की वैल्यू, सर 1/25, 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×6=24, 6/25, तो देखो 24% की आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से, आप बोलो सर 6/25, 6/25। अब क्या कह रहा है, देखो इनका रेशियो ले लो ए अनुपात बी, यदि ए की आय बी की आय से कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बी से कंपैरिजन कर रहे हैं, बी से, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 25, बी की वैल्यू कितनी होगी 25, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, अधिक है तो ये प्लस, अधिक है तो प्लस, तो देखो 25 + 6=31 अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, अब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए की आय से, ए की आय कितनी 31, तो इसको लेंगे नीचे ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, देखो 31 में 25 गए 6/31 × 100, तो कितने परसेंट कम हो गई, आप बोलोगे सर कुछ नहीं 600%, 600/31%, ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी पढ़ते हैं कल, तब तक के लिए आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए आए हैं, ठीक है, और पढ़ते रहिए, थैंक यू, बाय।